लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बड़ा निर्दयी बाड़ो बे, एकदम पत्थर दिल। हाय देखा, चोर उल्टा कोतवाल के डांटे। अरे बेदर्द बलमुआ, तू बाड़ा तो उस आपन ना रही तो हमार भैया जी के एकरा उठाई गिरी जैसन बिहा कर देतन। वही से तो कहल जाला ना कि शुभ घड़ी देख के टीका टिपन जन्म पत्री मिला के बिहा करे के चाहिए। डॉक्टर तो घर तरह जैसे कोनो चिंता की बात नहीं। दवाई खरीदी की ना मालिक दो चिप ठीक। का बात बा, केकर चिट्ठी बा? पटना से वकील के। का लिख ले बा? का लिखी? सिर्फ पैसा आइठे का जुगाड़ लगावा था बस। फिर कोनो नया बखेड़ा खड़ा कर ले सारा जसरा ना? नया बखेड़ा का खड़ा करी तब 15 तारीख के केस का डेट पड़ल बा, लिखल बा कि पहुंचल जरूरी है। समझे में नहीं का ये ससुरा करत का बा? हर बार सिर्फ डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। केस जब से शुरू भइल बा ना, एक इंच आगे ना खसकल। ई सार वकील एकदम घसकटवा वकील बुझाता। भाई साहब एकरा बदल दी। माधव बात तो सही कहता रहा, लेकिन तो दूसर तेज वकील मिले तब ना बदली। हमारा के तो कोनो वकील लौकता नहीं के। हेलो जी, हाँ बड़न बड़न, अभी देता नहीं जी। देवाशीष बाबू के फोन पर। हेलो, क्या हाल चाल है सूरज देव? हाँ मैं ठीक हूँ देवाशीष, तुम कैसे हो? मैं फिट एंड फाइन। अरे सुनो, मुझे बहू से पता चला है कि मनु की तबीयत खराब है, क्या हुआ उसको? कुछ नहीं बस, अरे वो ऐसे थोड़ा सा टेंशन था, अभी ठीक है वो। थैंक गॉड। और सुनाओ क्या खबर है? कुछ नहीं यार, अभी ये पटना से वकील की चिट्ठी आई थी, वही पढ़ रहा था कि तब तक तुम्हारा फोन आ गया। तो जमीन वाला केस तुम्हारा खत्म नहीं हुआ क्या? अरे कहाँ, सिर्फ डेट पे डेट आगे बढ़ रही है बस। कुछ भी नहीं रहा हमारे वकील को, डेट आगे बढ़ाने के अलावा कुछ आते ही नहीं। तो दूसरा वकील कर लो ना। अरे मैं पटना में नहीं रहता हूँ भाई, मुझे क्या पता वहाँ कौन सा वकील अच्छा है कौन सा खराब है। मुझे पहले वाले वकील को हटा के इसको रखा था। अब मुझे क्या पता था कि ये भी चिनिया बादाम फोड़ने वाला निकलेगा। तो एक काम करो, मैं तुम्हारे पास एक वकील भेजता हूँ। वही का है, इंटेलिजेंट है, यंग है और फ्यूचर भी ब्राइट है। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारा केस एक दो डेट में ही फैसले तक ला देगा।
कहो तो तुम्हारे पास भेज दूं? देखो देवाशीष, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो भेज दो, मैं बात कर लूंगा। वैसे नाम क्या है उसका? शुभम, शुभम सिंह। शुभम सिंह, ठीक है तुम भेज दो, फोन रखता हूँ। ओके ठीक है, रखता हूँ। देवाशीष एगो वकील के भेजा तारा, बतिया के देख ले, अगर अच्छा लगल तब केस सौंप दो बकरा के। अरे भैया रफलवा के का हुई? और कागज बाबू साहेब देख ली कि वो नतिया सही जगह साइन कर ले बानो। तू तो कमाल कर देलू कटारी, साचो कमाल कर देलू। ला ये ना, मिठाई खा लिया। कटारी पैसे का भुक्कड़ ना है बाबू साहेब, भाव का भुक्कड़ है, भाव का। रहुआ हमरे मेहनत के, हमरे कोशिश के मान दे ले, ये हमरे खाते बहुत बा। तू तो अपना बात से बिना मोल हमरा के खरीद ले लू कटारी, कबो कोनो चीज की जरूरत हो के बेहिचका जी है। खूब पिए, काहे कि हम जानी रहुआ एकरा के बिना ना रह सके, पर हमार हमारी एक बात सुन ली, बेशक मत मानब पर सोचब जरूर। शराब के सहारा कमजोर लोग लेला, जेकरा में दुख से लड़े की हिम्मत ना होला, गलती के सामना करे के साहस ना होला, वो लोग लेला शराब के सहारा। जहां तक हम जाना था नहीं, रहुआ से कोनो गलती नहीं किए भाई, काहे कि प्रेम कैल कोनो गलती ना, तब फिर इस शराब का सहारा काहे? अगर प्रेम सच्चा बा तो उनका के अपना याद में जिंदा रखे। हमार पायल, हमरा दिल दिमाग, हमरा जज्बात, हमरे हर सांस में जिंदा बाड़े, सब जगह पायल जिंदा बाड़े। हम तो सुनने वाले कि प्रेम करे वाला प्रेम पुजारी होला, और पुजारी ओ होला जे पूजा करेला, और इस शराब पी के कौनो पूजा ना होई, काहे कि पुजारी के स्थान बहुत ही पवित्र और ऊंचा होला। बाबूजी, बाबूजी रवा के बाबूजी हाल में बुलाता नहीं। चला हम आवता नहीं। जी बाबूजी। राउल तब पटना आना जाना भी उतना नहीं खे, एकदम सिंपल बा। हम तोरा के बताऊ नी ना कि हमार पतो ओइजा कहीं। जी जी,
ओ नाते और ए नाते भी कि हमार घर भी ओइजा है। तोरा बाबूजी के का नाम? शायद हम जानत होई। हमार बाबूजी का नाम है। अरे आवत रही तोरा के तोरा नैहर वाला से मिलवावे के बा। बबुआ यहाँ हमार पतो। यह हमार पतो आंचल जी अब जाना था नहीं जाना था ना पर कैसे वो देवाशीष बाबू मिला ले हम इनका केस खातिर बतौर लीगल एडवाइजर देवाशीष पर हमरा के बतौलन ना जी हमरो से ना बतौलन कि आचल जी के यहाँ जाए के बा अरे वो बड़का भुलक्कड़ बाड़े आधा बात बतावे ना आधा खा जाना लेकिन बेटा तू तो ना बतौला जी का अरे ये है कि तू दुल्हन के इलाका के बाड़ा तुहार दुल्हन से मुलाकात हो चुकल बा है चल ठीक है कोनो बात नहीं कहा तो लाइन अब दरअसल बाऊजी हमनी के बीच इतना बातचीत ना भइल और ना ही पहले से हमनी के कोनो परिचय रहे वैसे भी बाऊजी एक गांव एक शहर यहाँ तक एक मोहल्ला में भी कितना लोग रहेला सबके सब कहाँ जाने ला बाऊजी इससे तो ठीक लेकिन दुल्हन दूसरा में और इनका में बहुत अंतर बा अरे शुभम शुभम तोरा गांव का होनहार वकील बाड़े ये हो आ गई लूट पहाड़ के नीचे देखा अब कैसे झारत नहीं बुनिया दुनिया ना नचवैली अखियां के सोच तक कहिया ए महारानी हाँ दुल्हन हम अपना ओजा वाला जमीन का केस शुभम के सौंपता नहीं कैसा रही ठीक रही नहीं हम का राय दे सकिले रहुआ लोग जे करब ठीक ही करब अरे तोरे पिताजी के का नाम बा श्री आरपी सिंह अच्छा बा सरकारी मतलब कोनो नौकरी उकरी करे ना सर केस के बारे में बताई ना केस कौन स्टेज में पहुंचल बा और अगर बाहर से कॉपी हो तो वो दिखा दी जरा हमें अरे बेटा सब दे देता नहीं सब दिखा दे तोहरा के तो अपना हिसाब से मसौदा तैयार कर लिया जवन तोहरा के उचित लगे वो करिया सर एक बात बताएं उस जमीन का असली हकदार के है बेटा उस जमीन का असली हकदार था हम ही बाड़ी वो जमीन हमरा के ससुरारी से मिलल रहे तड़का में अब हम यहाँ कलकत्ता आए के बिजनेस शुरू करनी तो यहीं के होके रह गई अब वहां जब तक हमार सास जिंदा रहनी खेती बाड़ी अधिया बटैया पे करात रहनी उनका गुजरला के बाद हमके बिजनेस के चक्कर में टाइम मिला ला कि जाके देखी वो जमीन के बगल में राजेश्वर सिंह का जमीन रहे अब जब केहू खेती करे वाला रहे ना तो वो जमीन पे कब्जा कर लेना हम जब एक बार वहां गए नहीं तो देखनी तो उनका कब्जा हम कहनी भाई राजेश्वर सिंह ये जमीन हमार बा तो लगना उठपटांग बात करे अब अगर बेटा मार पीट करती तब फौजदारी का केस हो जाता ये से हम चुपचाप कलकत्ता आ गए नहीं और एक केस दर्ज कर देनी अब केस 15-20 साल से चलता
अभी केस से हम उबिया गए बानी। अब से ऐसा लगा था कि मामला या तो ए पार या ओ पार हो जाए बस। और वैसे भी राजेश्वर सिंह ठीक आदमी नहीं थे। बेटा यही से हम चाहता नहीं कि जितना जल्दी हो सके ये मामला फरिया जाए। अब तू आगे बढ़ा तो देखा कैसे कितना जल्दी का हो सकेला केस के मामले में। जी हम समझ गए। आज महीनों बाद हमार जान हमारे हाथे आयल बा। यही से अपना मुंह हाथ रहना भैया। जाना तरह चिमनी राइफल और औरत में ज्यादा अंतर ना होला। दोनों से बराबर प्यार होला। ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। एकदम 100% सही कहला भैया। राइफल जान में बसल जान के हिफाजत करेला। लेकिन भौजी के राइफलवा के बारे में बतैला है कि ना? सब बात बतावल जरूरी है बगा। चिमनी बबुआ राउर भाई बाहर सबके सब कुछ बतावेलन। हमरा के कुछ ना बतावेलन काहे कि हमसे डरालन। हम इन पे कहूं रोक टोक ना लगा दी। सुना हे काहे रे मानम कटारी बा। हम बाबू साहब से मिले अलपनी। हमार नाम दय है। हमार नाम बीरू है। अरे तो तू हैजा कैसे आ गई लो? बाबू साहब के धन्यवाद देवे के। गोल लगा तनी भैया गोल लगा। कुछ बोलबो कर पा भैया दी हमनी के नौकरी पे लखला। आपके भगवान भला करी भैया। अरे का बोला रे? चमरा के जवान गड़बड़ा गलन भैया। बाबू साहेब हमार आवे के कारण ई बा केनन के काम देला की खुशी में हम गरीब कुछ छोट मोट उपहार ले आल बानी। हैसियत में हम छोड़ जरूर बानी पर पेशा कर लिया हम भाव में छोट नहीं की। अरे तो का उपहार ले बारो? असली शूद शहद ले आल बानी। तो हमार भौजी के देता ला भौजी। दे दिया एकदम असली शहर लिया है नहीं। बाबू साहेब की निकला गी। एक बात कही दीदी तू बहुत पुण्य कर ले बाड़ू जोन बाबू साहेब जैसन पति मिलल। कौनो मेरारू कौनो लड़की हो जलन तो हो बेकरी। भगवान ई जोड़ी के सलामत रखी। ई जोड़ी के नजर ना लगी। अच्छा बाबूजी हम जाता नहीं। राम राम। राम राम दीदी। राम राम भैया दी। राम राम भौजी तलता नहीं। अजीब लड़की लागत भैया। अरे भौजी अजीब बिया तभी तो जे हम दोनों भाई काम ना कर सकनी भाई लड़की कर देलस। ऐसन कौन काम कर देलस? अरे आज बाबू साहब के हाथ में रेफलवा ओकरे वजह से तो शोभता। का हो? का? पूछ नहीं का हो सूरज भैया? कागजवा साइन करा के यह देले रहे ना। हाँ। बड़ी मेहरबान भैया। दाल में करिया नहीं खेनू। तारा रहते दाल में करिया हो सकता का?
देखो भौजी, पहरेदारी अब चौकस करे पड़ी। का हो सूरज भैया? देखा, एकर बात तू मत सुनी। एक खटिया वाला आदमी दो खटिया करवावे चाहता। हमार सारा बिजनेस सही जगह। तू और दुलीन तो एक ही जगह के बाड़ा ना, तो कैसे ना मिलना? ये कैसे हो सकेला? ये तो बहुत अचरज के बात बा। जीना, बाकी रउआ से काहे लागल कि हमनी का मिलल होके